नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अनिल पटेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल की बात। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नई चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसे आप अपनी साइट पर अप्लाई करेंगे तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और साथ ही साथ कभी भी हमारे कॉलम के स्टार्टर लगाने में कोई परेशानी नहीं आएगी और हम इस चीज़ को अप्लाई करके हमारे जो साइट पर प्लिंथ बीम तक यदि कोई गुनिये में प्रॉब्लम आई है तो इस चीज़ को कर हम उस गुनिये को भी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर लाल कलर से मार्किंग देख रहे हैं, यह हमने मार्किंग कर रखी है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ के लिए हम इसका गुनिया भर लेते हैं और फिर हम हर कॉलम के पास सेंटर लाइन से मार्किंग कर देते हैं। तो दोस्तों, इससे फ़ायदा यह होता है कि जब भी हम कॉलम का स्टार्टर लगाएंगे तो हमें वहाँ पर क्लियर मार्क मिल जाएंगे जिससे कि हमारा स्टार्टर सही लगे और कॉलम की पोजीशन हमारी सेंटर लाइन के हिसाब से सही जाए। तो दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है लेकिन इसमें हमें पूरा कॉलम का कवर क्लियर हो जाता है कि सेट कितना कवर बच रहा है। तो यह करने से हमारा टाइम भी बचेगा और इसके साथ साथ ही जब हम वर्किंग ड्राइंग अप्लाई करेंगे, ब्रिक वर्क चालू करेंगे तो वहाँ पर हमें ब्रिक वर्क करते समय बार बार मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने पूरी साइट पर सेंटर लाइन के हिसाब से लाल कलर से मार्क कर रखे हैं। तो यह बहुत ही आसान तरीका है हमारे कॉलम के स्टार्टर लगाने के लिए। यहाँ पर आप जो प्लॉट देख रहे हैं यह 30x50 का प्लॉट है और कॉलम की साइज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 8x16 इंच का कॉलम लिया गया है जिसमें 8 सरिये प्रोवाइड किए गए हैं, वह 12 mm के हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप कॉलम की मार्किंग कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, बार बार मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, यह सबसे आसान तरीका है और नया तरीका है। तो आप अपनी साइट पर अप्लाई करके देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं यह तरीका आपको कैसा लगा। और ऐसे ही भवन निर्माण से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में कोई आपको दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।